गोविंद सिंह डोटासरा है जगह आपकी धर्म पत्नी के साथ में पूरा जोड़ा हूँ है जगह वोट दे रहा है। लोग 10 साल के जुमलों से तंग आ चुके हैं। जो फतेहपुर हाकम अली है विधायक बेबी मतदान कर रहा है, इस कामना के साथ मतदान किया है तो प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बने और आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता है। दुनिया स्वाद के साथ सेहत भी, शादी की दावत में मिलेगी दुनिया की मिठास, बनेगा ये अवसर और भी खास। दुनिया यहाँ आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे स्वादिष्ट रसगुल्ले, गुलाब जामुन, राजभोग, चमचम एवं शुद्ध दानेदार देसी घी। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाए फ्री होम डिलीवरी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.dunira.com। नमस्कार, राम राम। रिपोर्टर दिलराज। और लोकसभा के प्रथम चरण का मतदान है जगह राजस्थान के सीकर जिला का मायने उबला आ गया है और सुबह सुबह मतदान की स्पीड है जगह काफ़ी अच्छी देखभाल मिली, लेकिन जिया जिया टाइम निकल तो गई, दोपहर होती गई, सन्नाटो है जो को कई बूथा पर नजर आयो। बिग बाद में आप बात करा तो सगड़ा जगह प्रत्याशी है, जनप्रतिनिधि है, लोकसभा का प्रत्याशी हटे बीजेपी की तरफ सांसद सुमेधानंद जी है, भी वोट है जगह दे रहा है, पहले हवन करियो, हवन करवा के बाद का मायने आपको मत को प्रयोग है जखा कर रहा है और लोगों भी अपील करी जलपान और मतदान की। बिग बाद में अठे सांसद अमराराम जी है जखा भी सुबह जल्दी ही मतदान कर फिर अलग अलग बूथा के ऊपर भी जा रहे हैं और आपको काम है जगह करवा लाग रहा है और वे भी अपील करी के पहली मतदान फिर जलपान। और ई कड़ी के मायने कृपा राम की डाणी गोविंद सिंह डोटासरा है जगह आपकी धर्म पत्नी के साथ में पूरा जोड़ा हूँ है जगह वोट दे रहा है और बठे भी आपने बातचीत हुई, अलग अलग मुद्दा पर भी बात करी ही और कई जगह है वे बीजेपी ने कोस रहा। बिग अलावा फतेहपुर हाकम अली है विधायक बेबी मतदान कर रहा है और सगड़ा जनप्रतिनिधि है, बाका विजुअल्स आपने बीच में आ रहा है, बाका वीडियो आपने बीच में आ रहा है, आप भी जार जार हर जगह अलग अलग बूथों ग्राउंड रिपोर्टिंग है जगह करी और फिलहाल है सारी हर जगह शांतिपूर्ण मतदान की स्थिति है जगह सामना आ रही है, कोई भी जगह कई खट भी झड़प है जगह यानी कि खट भी कोनी हुई है। दातारामगढ़ के कई सेक्टर कई गाँव के मायने मतदान है जखा कोनी हुआ, कई जगह बहिष्कार है जो को मतदान को करो है, कारण बैठा की गाँव की समस्या है भी की वजह से यहाँ को काम है जो को करो है, लेकिन हर जगह मतदान है बड़ो शांतिपूर्ण चल रहे है। तो लोकतंत्र का पर्व है, लोग अपने मत से देश की दिशा और दशा तय करेंगे। आज जो प्रथम चरण की वोटिंग हो रही है उसमें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह लोगों में है। लोग 10 साल के जुमलों से तंग आ चुके हैं, जो तानाशाही सरकार केंद्र में काम कर रही है उससे तंग आ चुके हैं, उनकी न कोई पॉलिसी है न नीति है, किसी भी सेक्टर में वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाए हैं। जो वादे किए थे महंगाई कम करने के, आज महंगाई आसमान छू रही है, वो वादे कर रहे थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिदिन नौकरी देने के, आज बेरोजगार हैं और केंद्र में जो उपक्रम है और उसमें केंद्र सरकार में 30 लाख वैकेंसी स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, उनको उन्होंने भरने का काम नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, आज किसान सड़कों के ऊपर बैठा है और ये कह रहा है कि 3 काले कानून ला करके आपने 700 किसान शहीद कर दिए। 15 महीने बाद में देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी, देश के कृषि मंत्री ने हस्ताक्षर करके समझौता किया कि हम MSP का कानून लाएंगे और जो है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान सड़कों पर बैठा है अपनी लिखित समझौते को मनवाने के लिए। तो किसानों के प्रति इनका जो रवैया है, जो इनकी नीतियां हैं वो पूरी देश के सामने आ चुकी हैं। आज चाइना हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, केवल देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करते हैं लेकिन वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता है। बोलने की आज़ादी नहीं है, व्यक्ति को काम करने की आज़ादी नहीं है। आज जो मातृशक्ति की जो सशक्तिकरण की 2014 में बात करते थे, आज हमारी
जो बहनें हैं, महिला खिलाड़ियां हैं, जो देश में और दुनिया में हमारा नाम रोशन करती हैं, उनके साथ में जिस प्रकार से अत्याचार हुआ और शोषण उनका हुआ, और जब मांग उठाई तो उनको घसीट करके बाहर वहां से आंदोलन से हटा दिया गया। मैं समझता हूं कि देश के लोग अब जवाब चाहते हैं कि मोदी जी ये जुमलेबाजी बंद करो, और आप काम करके आपने दिखाया नहीं, इसलिए आप सत्ता से जाने के लिए तैयार हो जाओ। आज सीकर लोकसभा क्षेत्र में हमने इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार CPIM के श्री अमरा राम जी को हम सब लोग आज मतदान के द्वारा उनको चुन करके संसद में भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 साल से जो सुवेदानंद जी सरस्वती जी जो आए थे एक साधु के देश में संत के रूप में, यहाँ आकर के उन्होंने सीकर को अपना आश्रय स्थल बनाया था, उन्होंने अचानक राजनीति में प्रवेश किया, लोगों ने मोदी जी पे और स्वामी जी की बातों पे विश्वास करके 2 बार सांसद बना दिया, लेकिन न स्वामी जी कुछ कर पाए न मोदी जी कुछ कर पाए, तो आज न भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार के प्रति कोई लोगों का अच्छा रुख है, और स्वामी जी का तो अब देखिए आप कोई मतलब ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को थोड़ी दिया था, आपने मोदी को दिया था, तो मोदी से हिसाब लो, मोदी हिसाब दे नहीं रहा। तो इसलिए जनता ने यह तय कर लिया है कि यहाँ पर हम किसानों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमरा राम जी को वोट देंगे, और जहाँ जहाँ मैं सुबह से होकर के आया हूँ वहाँ पर सब जगह ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर बहुत बड़ा उत्साह है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई मौका आया है जब सारे 36 कौम के लोग एक किसान कम्युनिटी के संघर्ष करने वाले नौजवानों से लेकर के सब वर्गों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, स्वर्ण के लिए, सबके लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं। और इंडिया गठबंधन इन पहले फेज के चुनाव में 12 सीटों के ऊपर जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं समझता हूँ कि एक दो सीट में टक्कर है, बाकी सब जगह इंडिया गठबंधन आगे है। 7:15 मतदान किया है, पवित्र समय में हवन यज्ञ करके गौ माता की सेवा करके और मतदान किया है, और इस कामना के साथ मतदान किया है कि प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बने, उसमें मैं सहभागी बनूं, अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूं, और आम आदमी जो कहीं तक नहीं पहुंचता है वो मेरे पास सीधा आता है, तो इसलिए गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, इनके कल्याण हेतु ये काम हो, तो आज सुबह सुबह मतदान किया है, और बड़ा उत्साह के साथ ऐतिहासिक सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने अपना रिकॉर्ड 14 का रिकॉर्ड 19 में तोड़ा था, और इस बार भी मैं मेरा रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ये मतदान किया है, और तमाम मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि 10 साल में देश की संसद में सीकर लोकसभा क्षेत्र की आवाज नहीं गूंजी है, जनता पे हमले हुए, लेकिन एक सबके लोकसभा में हमारी मेहनत कसती आम आवाम की आवाज़ नहीं उठी है, इसलिए मेरा तमाम मतदाताओं से निवेदन है आवाज़ देश की संसद में पहुंचाने के लिए मतदान करें। और तमाम मतदाताओं से मेरा निवेदन है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, जो सब आकर के अपना मतदान जो भी इच्छा है उस तरह से करने का करें, और सबसे मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्वक मतदान करें। सभी क्षेत्रवासियों को मैं लोकतंत्र के महापर्व की बधाई देता हूँ, और अपील करता हूं कि सभी झुंझुनू क्षेत्रवासी हैं वो अपने मतदान बूथ पर जाकर के और ज्यादा से ज्यादा संख्या मतदान करें। मतदान करना लोकतंत्र की नींव है मतदान, और आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए मेरी एक बार और फिर अपील है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ब्रजेंद्र जी ओला को हाथ के निशान पर 2 नंबर बटन दबा करके और वोट कीजिए, और ब्रजेंद्र जी ओला को विजय बनाइए। मेरे गांव में आज वोट किया है, टोल साहब से मैं बूथ नंबर 66 नंबर पे बूथ पे मैंने वोट किया है। वागारो क्लियर है, राजस्थान में पहली सीट है जो झुंझुनू सीट कांग्रेस के पक्ष में जारी है, और अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। यही रिपोर्टर दिलराज के साथ में थे, जुड़े रहो, बने रहो, थारो प्यार प्रेम है जो बनाए राखो, और मैं हर जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ग्राउंड जीरो थार थाने पूछा बाकी हमेशा कोशिश करता रहता। धन्यवाद। राम राम साई। रिपोर्टर दिलराज के साथ में कैमरा पर्सन नरेंद्र।